हम पैनल कैसा लिफ्टिंग करेगा अभी देखिए। ये हमारा पैनल है, ठीक है। ये डीबीस है, डीबी हमारा डीबी, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये पायलट के ऊपर है, ठीक है। ये पायलट के ऊपर है तो इसके हमने इसका पैकिंग खोली है, जो इसका बहुत सारा सेफ्टी वगैरह था इसमें लकड़ी से पूरा पैकिंग हो के आया हुआ है, ठीक है। तो इसका हमने पैकिंग ओपन कर दिया तो इसके ऊपर प्लास्टिक का सेफ्टी प्लास्टिक वेफ्टिक था, तो वही भी देख सकते हैं आप कैसे हमने इसको ओपन किया हुआ है। अभी ये देखिए हमारा पहला रिश्ता अभी, ठीक है। तो इसका अभी अब लिफ्टिंग करने के लिए देखिए अभी हमने बेल्ट लगाया, इसमें हुक लगा हुआ है, तो इसमें हमने दो बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बेल्ट लगाने के बाद हमने इसमें देखिए कैसे लिफ्टिंग करते हैं, और फोर्क लिए हमारे पास तो उसे उठा के फिर कैसे लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये दिखाते हैं आज आपको कैसा हम पैनल लिफ्टिंग करते हैं, कैसा लेके जाते हैं, कैसा हम पैनल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं ये हमारा पैनल पड़ा है इस तरह, ठीक है। ये सारे पैनल हमें ऐसे इस तरह लिफ्टिंग करते हैं, कैसा लिफ्टिंग करते आप देखिएगा, अभी हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारा फोर्कलिफ्ट आया हुआ है, ठीक है। ये जो हमने बेल्ट इसमें लगाया, ये देखिए इस तरह पैनल को अभी ये होल्ड करेगा, क्योंकि ये छोटी पैनल है तो इससे बड़ा पैनल भी होगा तो मुश्किल नहीं है। बस आपको ये केयरफुली होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, बेल्ट आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक है। चेक करना पड़ेगा बेल्ट आपका सही है कि नहीं। तो इस तरह देखिए कैसे लेके जा रहा है, तो इसको आप स्लो स्लो जो भी लेके जाओ उसको बोलना पड़ेगा भाई स्लोली लेके जाओ, ठीक है। तो उस तरह लेके जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह ये लेके जा रहा है पैनल को, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये टीम खड़ा है देखिए टोली लेके, ठीक है। ये पैनल के इस तरह आप कर रहे हैं देखिए, ये लिफ्टर से पैनल आप कर रहे हैं। तो हमारे इधर ये ट्रॉली रखा हुआ है, ट्रॉली ऑलरेडी इधर हमने रखा है, ठीक है। देखिए इसको पकड़ के रखा है, ये प्लेटफॉर्म का हमने ट्रॉली रखा हुआ है डोर के पास, ठीक है। आप देख सकते हैं ये स्लो स्लो जाके, ये देखिए लिफ्टर से स्लो लेके अभी ये हमारा जो ट्रॉली है ट्रॉली के ऊपर कैसे होल्ड कर रहा है। नीचे हमने ट्रॉली रखा हुआ है, हमारा जो टीम है टीम इधर रेडी है, ट्रॉली पकड़ा के रखा है। एक चीज़ है ना कि जब भी लिफ्टिंग करे तो पैनल आपको एनी टाइम पकड़ा के रखना पड़ेगा, क्योंकि पैनल हिलता है। ट्रॉली जब आप रखेगा ट्रॉली को पकड़ के रखना पड़ेगा, ये देखिए पैनल भी अभी होल्ड किया हुआ है। ये लिफ्टर का काम हो गया, देखिए लिफ्टर कैसे निकाल दिया अपना, जो हमने बेल्ट लगाया था बेल्ट। ये अभी जो है ना कि अभी हमारे ट्रॉली का काम है, ये ट्रॉली जो है ना ट्रॉली से मालदार इसको लेके जा सकते हैं। पूरा केयरफुली से करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो तो बड़ी हादसा हो सकता है, तो कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, भी केयरफुली से करना पड़ता है। डोर भी छोटी है, ठीक है, फिर बड़ी है तो हिसाब से देख के लेना पड़ता है। Thank you.
लेके जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने ये BSF पैनल रखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने इसको होल्ड नहीं किया है, अभी हमने इसको होल्ड ऑलरेडी पहले किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने पैनल ऑलरेडी रखा हुआ है सर, अभी वन बाई वन इसको पैनल हमने रखना है। और इसका जो कपलिंग है ना, ये पैनल टू पैनल टच करनी है और ये हमने कपलिंग करनी है, ठीक है। ये देख सकते हैं, देखिए हमने पहले सारा ऐसे रखा है लाइन बाई लाइन। उसके बाद वन बाई वन हमने रखनी है, इसका कपलिंग करनी है बस। जो हमारा जो आज हमें नया काम स्टार्ट किया, तो इसका मार्किंग कैसे करते हैं, पैनल इंस्टॉल कैसे करते हैं, कौन पैनल किधर आ रहा है, तो ये भी पता होना चाहिए। पता नहीं होगा तो हम इसका काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अभी जैसा आप देख सकते हैं, ये हमारा स्पीड है, आप देख सकते हैं सारा MCD इसका है, ठीक है। इसके MCD है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा स्पीड है, ये हमारा है स्विच गियर रूम है, ठीक है। और पीछे जो है हमारा, ये देख सकते हैं आप, वो इसकी दो अलग अलग है, अब इसके साथ एडजस्ट होगा। ये हमारे पास ऑलरेडी ड्राइंग है जो हमने लिया है, तो ये हमारा देख सकते हैं आप, ये स्विच गियर रूम है जो हमने पैनल इंस्टॉल करना है, जहाँ काम करना है, ये स्विच गियर रूम है। उसके बाद जो है ना, ये ट्रांसफार्मर एरिया है जो हमने ऑलरेडी ट्रांसफार्मर इसका इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, देखा है। और ये स्विच गियर रूम है, अभी इसका हमने मार्किंग करना है, जैसे हमने पैनल कैसा किधर आना है, तो इसका मार्किंग अभी ऑलरेडी हमें करना है। तो आप देख सकते हैं इसका मार्किंग हम कैसे करें, किधर कैसा कौन सा पैनल है, तो हम दिखाते हैं आपको। ये हमारे पास एक ये जो ड्राइंग है, तो आप देख सकते हैं हमारी स्पीड ऐसा है, ठीक है। ये हमारा डोर इस साइड है, ये देखिए आप, डोर इधर है, ये पहले साइड है, ये बैक साइड है, बैक साइड जो है ना हमारा, ये डोर है, ठीक है। अभी आप देखिए, ये जो हमारा ना, ये फ्रंट साइड है, इधर ये बैक साइड है, बैक साइड है जो हमारा, इस साइड जो हमारा ट्रांसफार्मर एरिया है, ये स्विच गियर रूम है। तभी ये पैनल हमें इंस्टॉल करना है। ये पैनल इंस्टॉल करने के लिए अभी जो करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो हमें ये लेआउट देखना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, कितना ये वॉल से छोड़ना है, कितना ये वॉल से छोड़ना है, कितना ये वॉल से छोड़ना है, कितना डिस्टेंस रख के पैनल इंस्टॉल करना है, तो वो दिखाएंगे हम। अभी जैसे आप देख सकते हैं, इधर शो किया हुआ है 502, यानी ये 502 हमें ये वॉल से छोड़ना है। जैसा ये हमारा डोर है, जैसा ये हमारा डोर है, ठीक है, डोर के साइड है, ये दीवार देख सकते हैं, तो ये दीवार से हमारा डिस्टेंस रखना है 502, तो ये 502, यानी ये हमने जो ये दीवार से ना, ये मार्किंग हमने ऑलरेडी एक मार्किंग किया हुआ है, ठीक है, मार्किंग किया हुआ है। हमारे इधर पैनल का एंड आएगा लास्ट, ये बाहर नहीं आ जाना चाहिए, हमारे ड्राइंग में मैंशन ऐसा, ठीक। तो आप देख सकते हैं, ये हमने किया मार्किंग इसका, ये 502 हमने लिख के भी रखा है, और ये 502 आपको कैसा पता चलेगा, इधर किया, इधर मेंशन किया हुआ है, ये 502।